परिदेश में रहने वाली संजना परी को घर के खाने के बजाय बाहर का खाना खाना बहुत पसंद था। वो हमेशा पृथ्वी के बाजार में जाकर वहां बिकने वाले गोलगप्पे और समोसे चाट बड़े चाव से खाया करती थी। इस तरह संजना परी को पृथ्वी का खाना खाने की लत लग गई थी। दूसरी तरफ जब भी वो घर पर होती तो अपनी माँ का दिया हुआ खाना चुपके से कचरे के डिब्बे में फेंक दिया करती थी और पृथ्वी से लाया हुआ पार्सल अपने कमरे में ले जाकर खा लेती थी। फिर कुछ दिनों बाद संजना परी का जन्मदिन आ जाता है। वो अपने सभी सहेलियों को लल्लू गोलगप्पे वाले के पास ले जाती है। ये लल्लू है, ये दुनिया के सबसे अच्छे गोलगप्पे बनाता है, इसके गोलगप्पे खाकर तुम सबको बहुत मजा आएगा। लेकिन लल्लू गोलगप्पे वाला साफ सफाई का जरा भी ध्यान नहीं रखता था। उसके ठेले पर चारों तरफ मक्खियां बिनबिना रही थी। ये सब देख संजना परी की सहेलियां मुंह बना लेती हैं। अरे ये क्या संजना, ये गोलगप्पे वाला तो बहुत गंदा है, जरा इसके ठेले पर देखो चारों तरफ गंदगी फैली हुई है। नहीं नहीं, इसके हाथों के गोलगप्पे खाकर मुझे बीमार नहीं पड़ना। हाँ तूने बिल्कुल सही कहा, पृथ्वी के लोग साफ सफाई का जरा भी ध्यान नहीं रखते, इसलिए मुझे पृथ्वी का खाना कभी पसंद नहीं आता। चलो वापस परिदेश चलते हैं। अपनी सहेलियों की बातें सुनकर संजना परी को बहुत गुस्सा आता है। अरे तुम सब बेवकूफ हो, तुम्हें नहीं पता कि असली स्वाद क्या होता है। तुम सबके नसीब में लल्लू के गोलगप्पे खाना नहीं लिखा है, चलो तुम सब निकल जाओ यहाँ से। उसके बाद संजना परी की सभी सहेलियां मुंह बनाकर वहां से चली जाती हैं। उनके जाने के बाद संजना ढेर सारे गोलगप्पे खा लेती है और बहुत ही गोलगप्पे पार्सल करके अपने घर ले जाती है। इस तरह कुछ दिन बीत जाते हैं। फिर एक दिन संजना परी सड़क के फुटपाथ पर खड़ी होकर नूडल्स खा रही थी, तभी एक बुरी जादूगरनी की नजर संजना परी पर पड़ती है। संजना के हाव भाव देखकर जादूगरनी समझ जाती है कि संजना एक नंबर की चटोरी है और उसे बाहर का खाना खाने की बुरी लत लग गई है। तभी जादूगरनी के मन में एक शैतान नी सूझती है। परी देश की रानी परी बहुत घमंडी है, उसने मेरी बहुत बुरी तरह बेइज्जती करके मुझे महल से बाहर निकाला था। अब इस परी के जरिए मैं रानी परी को सबक सिखाऊंगी। उसके बाद जादूगरनी संजना परी के पास जाकर उससे कहती है, सुनो परी, मैं बहुत ही स्वादिष्ट खाना बनाती हूँ, क्या तुम मेरे घर पर चलकर पिज्जा खाना चाहोगी? अरे वाह, पिज्जा मुझे बहुत पसंद है, चलो चलते हैं। उसके बाद बिना सोचे समझे संजना जादूगरनी के घर चली जाती है। फिर जादूगरनी संजना को ढेर सारे पिज्जा खिलाती है। सुनो, तुम्हारी रानी परी मेरी बहुत अच्छी सहेली है, थोड़े पिज्जा तो उसके लिए भी लेकर जाओ। इतना कहकर जादूगरनी संजना को एक बक्से के अंदर ढेर सारे पिज्जा भर के दे देती है। उसके बाद संजना परी वो सारे पिज्जा ले जाकर रानी परी को दे देती है। पिज्जा से बहुत अच्छी खुशबू आ रही थी। रानी परी फौरन पिज्जा को खाने लगती है, लेकिन तभी अचानक रानी परी का चेहरा काला पड़ जाता है और उसकी शक्ल बंदरिया की तरह दिखने लगती है। रानी परी की शक्ल देख दरबार में मौजूद सभी परियों की हंसी छूट जाती है। ये सब क्या बदतमीजी है, तुमने मुझे कैसा पिज्जा खिलाया है, इसे खाते ही मेरी शक्ल बिगड़ गई, अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। नहीं, रानी जी, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, पिज्जा देने वाली उस औरत ने कहा था कि वो आपकी सहेली है। ये सुनते ही रानी परी समझ जाती है कि संजना परी को किसी ने बेवकूफ बनाया है। फिर रानी परी अपनी जादुई गोले में देखकर उस बुरी जादूगरनी का पता लगा लेती है। अच्छा, तो ये काम उस दुष्ट जादूगरनी का है, पिछली बार तो मैंने उसे माफ कर दिया था, लेकिन अब वो मुझसे नहीं बचेगी। फिर रानी परी के कहने पर सिपाही परियां जादूगरनी को पकड़कर उसे हमेशा के लिए महल के तहखाने में बंद कर देती हैं।
देखो संजना, इस बार तो तुम बच गई, लेकिन तुम्हारी चटोरी जुबान के चलते तुम बड़ी मुसीबत में फंस सकती हो। और वैसे भी मैं जितना जानती हूँ, तुम्हारी माँ बहुत ही अच्छा और स्वादिष्ट खाना बनाती है। तुम बाहर का खाना खाना बिल्कुल बंद कर दो, क्योंकि इससे तुम्हारी सेहत खराब हो सकती है। आप ठीक कहती हो रानी जी, मुझे मेरी गलती का एहसास हो गया है। आज के बाद मैं सिर्फ अपनी माँ के हाथों का बनाया हुआ खाना खाया करूँगी। इस तरह अपनी गलती से सबक लेकर संजना पूरी तरह सुधर जाती है और उस दिन से हमेशा बाहर जाकर खाना खाना बंद कर देती है। बहुत समय पहले की बात है, परी देश में संजना नाम की एक अमीर घमंडी परी रहती थी। उसे दूसरों को परेशान करने में बहुत मजा आता था। इसी तरह एक दिन संजना परी अपनी नई स्कूटर पर बैठकर पृथ्वी के बगीचे से गुजर रही थी, तभी अचानक स्कूटर का टायर पंचर हो जाता है। तभी संजना की नजर एक लड़की पर पड़ती है। वो अपनी साइकिल पर बैठकर बगीचे से गुजर रही थी। संजना परी फौरन उस लड़की को रोक लेती है। सुन लड़की, मेरी स्कूटर का टायर पंचर हो गया है, लेकिन मैं इस पूरे इलाके की सैर करना चाहती हूँ, इसीलिए तू अपनी साइकिल मुझे दे दे। अरे ये क्या बात हुई, तुम्हारी स्कूटर का टायर पंचर हो गया है तो तुम जाकर ठीक करवा लो, मुझसे मेरी साइकिल क्यों मांग रही हो? चलो हटो यहाँ से, मैं तुम्हें अपनी साइकिल नहीं देने वाली। उस लड़की की बात सुनकर संजना को बहुत गुस्सा आता है। तू दो कौड़ी की लड़की, तेरी इतनी हिम्मत कि तू मुझे मना कर रही है? मैं अमीर परी हूँ, तेरे जैसी लड़कियों को तो मैं अपने घर पर नौकरानी के काम पर भी ना रखूं। चल जल्दी से साइकिल दे, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। लेकिन तभी वहाँ कोमल नाम की एक गरीब परी आ जाती है। ठहर जा, तू बेवजह इस मासूम लड़की को क्यों परेशान कर रही है? सीधी तरह यहाँ से निकल जा, वरना मैं तेरे सारे दांत तोड़ दूंगी। ये सुनकर संजना परी गुस्से से तिलमिला जाती है और अपनी साइकिल उठाकर कोमल परी को मारने के लिए आगे बढ़ती है। लेकिन कोमल परी संजना परी के मुंह पर मुक्का मारकर उसे जमीन पर गिरा देती है। उसके बाद कोमल परी संजना को उठाकर पास ही में मौजूद कीचड़ के गड्ढे में फेंक देती है। उसके बाद कोमल परी और वो लड़की दोनों वहां से चली जाती हैं। उधर संजना बदले की आग में जलने लगती है। रात होते ही संजना परी अपनी माँ के पास जादुई छड़ी लेकर कोमल परी के घर के पास पहुंच जाती है। फिर संजना परी जादुई छड़ी की शक्ति से कोमल परी के घर को हवा में उड़ाकर दूर समुन्दर में ले जाकर फेंक देती है। बेचारी कोमल परी को तैरना नहीं आता था और वो पानी में डूब जाती है। ये देख संजना परी खुश होकर वहां से चली जाती है। दूसरी तरफ समंदर में रहने वाली एक जादुई मछली कोमल परी को बचाकर पानी के अंदर बने अपने घर में ले जाती है। जादुई मछली बहुत दयालु थी। कोमल की बुरी हालत देख वो उसकी मदद करने का फैसला करती है। फिर वो जादुई मछली कोमल को दो जादुई झुमके देकर उसे वापस धरती पर भेज देती है। फिर वो दोनों जादुई झुमके कोमल के लिए एक सुंदर सा घर बनाकर प्रकट कर देते हैं और साथ ही उसकी सुख सुविधा का सारा इंतजाम भी कर देते हैं। ये देख कोमल बहुत खुश होती है और मजे से अपनी जिंदगी जीने लगती है। फिर कुछ दिनों बाद कोमल का जन्मदिन आ जाता है। उस दिन कोमल अपनी सहेलियों को लेकर एक बड़े रेस्टोरेंट में पार्टी मनाने जाती है। उस दिन संजना परी का भी जन्मदिन था। वो भी अपनी सहेलियों के साथ उसी रेस्टोरेंट में आई हुई थी। तभी संजना की एक सहेली की नजर कोमल के जादुई झुमकों पर पड़ती है। संजना, तू तो बेकार में ही अपने झुमकों की तारीफ कर रही थी। उस परी के झुमकों के जवाब में तेरे झुमके बिल्कुल फीके पड़ रहे हैं। लगता है वो कोई अमीर परी है।
अरे ये कैसे हो सकता है, इस परी को तो मैंने समुन्दर में डुबा कर मार दिया था, फिर ये जिंदा कैसे बच गई? इसके पास इतनी सारी दौलत कहाँ से आई, अभी जाकर इसकी खबर लेती हूँ। उसके बाद संजना परी कोमल परी से झगड़ा करने उसके पास पहुँच जाती है। क्योरी तेरे पास इतने सुंदर झुमके कहाँ से आए, लगता है तूने कहीं चोरी की है, चल सीधी तरह ये दोनों झुमके उतार कर मुझे दे दे, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अच्छा तो ये बात है, ठहर जा, आज मैं तेरी अक्कल ठिकाने लगा कर ही रहूंगी। फिर कोमल परी के कहने पर उसके दोनों जादुई झुमके वहाँ बड़े बड़े सांप बिच्छू प्रकट कर देते हैं। फिर अगले ही पल वो सारे सांप और बिच्छू संजना को काटना शुरू कर देते हैं। अरे मर गए रे, कोई बचाओ मुझे, कोई मेरी मदद करो। दूसरी तरफ संजना की सारी सहेलियां घबराकर वहां से भाग निकलती हैं। थोड़ी ही देर में सांप और बिच्छू के काटने से संजना परी बहुत ज्यादा काली और बदसूरत हो जाती है। इस बार तो मैं तुझे जिंदा छोड़ रही हूँ, चल भाग यहाँ से, और दोबारा कभी किसी गरीब को परेशान करने की हिम्मत मत करना। फिर संजना परी डर के वहां से भाग निकलती है। उसके बाद कोमल परी अपनी सहेलियों के साथ मिलकर बड़ी धूमधाम से अपना जन्मदिन मनाती है। दूसरी तरफ उस दिन की घटना के बाद से संजना परी की अक्कल ठिकाने आ जाती है और वो जीवन में दोबारा कभी किसी को परेशान नहीं करती। किसी गांव में पीयूष नाम का लड़का अपनी सौतेली माँ और बहन के साथ रहता था। दोनों माँ बेटी पीयूष के साथ नौकरों की तरह बर्ताव करते थे। पीयूष एक साइकिल की दुकान पर काम करता था। वहाँ काम करके उसे जो भी पैसे मिलते थे उसे पीयूष अपनी पढ़ाई का खर्च उठाता था। फिर एक दिन उसकी सौतेली माँ कांता उससे कहती है, पीयूष आज तुझे तनख्वाह मिली है, चल सारे पैसे मुझे दे, मुझे बाजार जाकर शॉपिंग करनी है, बहुत दिनों से मैंने शॉपिंग नहीं की। लेकिन माँ मुझे तो अपने कॉलेज की फीस भरनी है, अगर मैंने समय पर फीस नहीं भरी तो मेरा नाम काट दिया जाएगा। अरे वैसे भी पढ़ लिख कर तू कौन सा तीर मारने वाला है, देख मैं तुझसे और बहस नहीं करने वाली, चल जल्दी से सारे पैसे मुझे दे दे, अगर तूने जरा भी चू चपड़ की तो मैं मार मार के तेरे चेहरे का नक्शा बिगाड़ दूंगी। ये सुनकर पीयूष घबरा जाता है और डर के मारे अपने सारे पैसे कांता को दे देता है। दूसरी तरफ पीयूष कॉलेज की फीस नहीं भर पाता, जिस वजह से उसका नाम काट दिया जाता है। इस बात से पीयूष को बहुत दुख होता है और वो अपनी बुरी किस्मत पर फूट फूट कर रोने लगता है। इस तरह कुछ दिन बीत जाते हैं। फिर एक दिन नीलम की कुछ सहेलियां उसके घर पर खाना खाने आती हैं। बेचारा पीयूष दोनों चंडाल माँ और बेटी के डर से नीलम की सभी सहेलियों के लिए खाना बनाता है। फिर पीयूष जैसे ही खाना लेकर नीलम की सहेलियों के सामने जाता है कि तभी उसके फटे पुराने कपड़े देखकर नीलम की सहेलियां उसका मजाक उड़ाने लगती हैं। अरे जरा इस लड़के को देखो, ये तो बिल्कुल बंदर की तरह चलता है। अरे नीलम ये लड़का कौन है? ये मेरे घर का नौकर है। तभी नीलम की एक सहेली के पैरों में दाल गिर जाती है, मेरी इतनी अच्छी सैंडल खराब हो गई। ठहर जा, मैं अभी अपने नौकर को बुलवाकर तेरी सैंडल साफ करवा देती हूँ। उसके बाद नीलम पीयूष को आवाज देकर वहाँ बुला लेती है। देख पीयूष, मेरी सहेली की सैंडल पर दाल गिर गई है, चल जल्दी से उसकी सैंडल साफ करके चमका दे। नीलम की ये बात सुनकर पीयूष को बहुत गुस्सा आता है और वो सैंडल साफ करने से मना कर देता है। पीयूष के इनकार करने से नीलम बुरी तरह चिढ़ जाती है और अपनी माँ से बेचारे पीयूष की बहुत पिटाई करवाती है। पीयूष को मार खाता देख नीलम और उसकी सहेलियां बहुत खुश होती हैं। फिर एक दिन, ए पीयूष, यहाँ बैठा बैठा क्या टाइम पास कर रहा है, जा जाकर घर के पीछे वाले हिस्से की सफाई कर, वहाँ बहुत सारी झाड़ियाँ और छोटे पौधे उगाए हैं, उन्हें उखाड़ कर बाहर फेंक दे। उसके बाद पीयूष घर के पीछे वाले हिस्से में जाकर वहाँ मौजूद झाड़ियाँ उखाड़ना शुरू कर देता है।
तभी उसे जमीन के अंदर एक छोटा सा बक्सा दिखाई देता है। उत्सुकतावश पीयूष उस बक्से को बाहर निकालकर खोल देता है। उस बक्से के अंदर ढेर सारे सोने के गहने रखे हुए थे। तभी पीयूष को उन गहनों के बीच एक लॉकेट दिखाई देता है। उस लॉकेट में उसकी माँ की तस्वीर लगी थी। अरे ये तो मेरी माँ के गहने हैं, मैं जल्दी से इन्हें कहीं छुपा देता हूँ, अगर उन दोनों डायनों की नजर पड़ गई तो वो दोनों इसे हड़प लेंगी। पीयूष बक्से को छुपाने ही जा रहा था कि तभी नीलम और कांता उसे देख लेते हैं और वो दोनों से जबरदस्ती सारे गहने छीनने लगते हैं। लेकिन पीयूष अपनी माँ के गहने देने से इनकार कर देता है। माँ ये इतने आसानी से गहने नहीं छोड़ेगा, जाओ रसोई घर से चाकू लाकर इसका हाथ काट दो, तभी ये गहने हमें मिलेंगे। फिर कांता रसोई घर से चाकू ले आती है, लेकिन जैसे ही वो पीयूष पर हमला करने के लिए आगे बढ़ती है कि तभी अचानक वहाँ पीयूष की माँ की आत्मा आ जाती है। तुम दोनों ने मेरी मासूम बेटी को बहुत परेशान कर लिया, आज मैं तुम दोनों को नहीं छोड़ूंगी। उसके बाद पीयूष की माँ उन दोनों के बालों में आग लगा देती है। अरे कोई बचाओ हमें, कोई बचाओ, अरे कोई हमारी मदद करो। अभी तो मैंने सिर्फ तुम दोनों के बालों को जलाया है, अगर तुम दोनों इसी वक्त घर को छोड़कर नहीं भागी तो मैं तुम दोनों के शरीर में आग लगाकर दोनों को राख के ढेर में बदल दूंगी। पीयूष की माँ की ये धमकी सुनकर दोनों माँ बेटी बुरी तरह घबरा जाते हैं और दम दबाकर वहाँ से भाग निकलते हैं। उस दिन के बाद से वो दोनों दोबारा उस गांव में कदम रखने की हिम्मत नहीं करती। इस तरह सब कुछ ठीक हो जाता है और पीयूष सुकून से हंसी खुशी अपनी जिंदगी जीने लगता है। एक बार की बात है, परी देश में संजना नाम की रानी परी रहती थी। रानी परी की संगीता और रीना नाम की दो बेटियां थी। कुछ समय बाद एक खतरनाक बीमारी के चलते रानी परी की अचानक मृत्यु हो जाती है। ये देख संगीता मरने से पहले माँ ने सारी जायदाद मेरे नाम कर दी है। उनका फैसला था कि मैं परिदेश की रानी बनूं। चल अब तू यहाँ से निकल जा, आज से इस महल में सिर्फ मेरा राज चलेगा। माँ हम दोनों के साथ ऐसा भेदभाव नहीं कर सकती, वो हम दोनों को बराबर प्यार करती थी, इसीलिए तेरे कहने पर मैं महल छोड़कर नहीं जाने वाली, समझ गई ना। ये सुनकर रीना परी को बहुत गुस्सा आता है और वो संगीता की पिटाई करने लगती है। तभी वहाँ बहुत सारी परियां इकट्ठी हो जाती हैं। अरे आप दोनों राजकुमारियां इस तरह आपस में क्यों लड़ रही हो? ये रीना मेरे साथ धोखेबाजी कर रही है, मुझे झूठा एग्रीमेंट दिखाकर खुद महल की रानी बनना चाहती है। नहीं नहीं, तू एक नंबर की झूठी है, माँ तुझ पर बिल्कुल विश्वास नहीं करती, इसीलिए वो मुझे यहाँ की रानी बनाना चाहती थी। उसके बाद वो दोनों बहनें फिर से एक दूसरे के बाल पकड़कर लड़ना शुरू कर देती हैं। तभी वहाँ मौजूद परियां उन दोनों को पकड़कर एक दूसरे से अलग करती हैं। देखो इस तरह आपस में लड़ना ठीक नहीं है, हमारे परिदेश में जब भी दो परियों के बीच में किसी बात को लेकर झगड़ा होता है तो वो परियां खाने का कंपटीशन करके अपना झगड़ा सुलझा लेती हैं। तुम दोनों भी खाने का कंपटीशन कर लो, जो जीतेगा वो यहाँ की रानी बनेगी। ठीक है, मुझे केक खाने का चैलेंज मंजूर है, इस संगीता के साथ केक खाने का कंपटीशन करूंगी मैं। संगीता भी कंपटीशन के लिए तैयार हो जाती है। रीना परी बहुत चालाक थी, धोखेबाजी करके वो कंपटीशन जीतना चाहती थी, इसीलिए वो पृथ्वी के जंगल में चली जाती है। तभी उसे एक बड़े से पेड़ के ऊपर एक चुड़ैल दिखाई देती है। रीना परी अपनी जादुई छड़ी की शक्ति से उस चुड़ैल को पकड़ लेती है। फिर रीना परी उस चुड़ैल को निगल कर अपने पेट में डाल देती है। अब कल जब मैं संगीता के साथ केक खाने का कंपटीशन करूंगी, तब मेरे पेट में मौजूद चुड़ैल ढेर सारा केक खा जाएगी और मैं आसानी से कंपटीशन जीत जाऊंगी।
फिर अगले दिन महल में दो विशाल केक बनकर तैयार किए जाते हैं। उसके बाद दोनों बहनें केक खाना शुरू कर देती हैं। रीना जल्दी जल्दी ढेर सारा केक उठाकर अपने मुंह में डालने लगती है। उसके पेट में मौजूद चुड़ैल सारा केक खा जाती है। दूसरी तरफ संगीता परी धीरे धीरे केक खा रही थी, लेकिन थोड़ी ही देर में रीना परी पूरा केक खाकर खत्म कर देती है। मैं जीत गई, अब मैं यहाँ की रानी बनूंगी। अपनी हार पर मायूस होकर संगीता परी वहाँ से चली जाती है। उसके बाद रीना परी महल की रानी बन जाती है। अब मुझे इस चुड़ैल की कोई जरूरत नहीं है, मैं इसे अपने पेट से निकाल कर वापस पृथ्वी के जंगल में भेज देती हूँ। लेकिन वो चुड़ैल रीना परी के पेट से बाहर निकलने से इनकार कर देती है। रीना परी बहुत कोशिश करती है, लेकिन वो चुड़ैल उसके पेट से बाहर नहीं निकलती। तुम चाहे जितनी भी कोशिश कर लो, मैं तुम्हारे पेट से कभी बाहर नहीं निकलूंगी। थोड़ी ही दिनों में तुझे मार कर तेरे शरीर पर कब्जा कर लूंगी। ये सुनकर रीना परी के होश उड़ जाते हैं। अरे नहीं, ये क्या हो गया, मेरी चाल मुझ पर ही उल्टी पड़ गई, अब मैं क्या करूं? उसके बाद रीना परी दर्द से तड़पने लगती है। अरे कोई मेरी मदद करो, कोई तो मुझे बचा लो, वरना ये चुड़ैल मुझे मार देगी। तभी वहां संगीता परी आ जाती है और रीना परी को एक जादुई चॉकलेट खिला देती है। उस जादुई चॉकलेट के असर से चुड़ैल के शरीर में आग लग जाती है और वो घबराकर रीना परी के शरीर से बाहर निकल आती है। उसके बाद संगीता उसे हवा में उड़ाकर वापस पृथ्वी के जंगलों में भेज देती है। मुझे माफ कर दे संगीता, मैंने तेरे साथ बहुत अन्याय किया, लेकिन वक्त पर तूने मेरी जान बचा ली, मैं जिंदगी भर तेरा एहसान कभी नहीं भूलूंगी। मुझे ये महल नहीं चाहिए, अब तू यहाँ की रानी बन जा। ये सुनकर संगीता बहुत खुश होती है और अपनी बहन को गले लगा लेती है। उसके बाद संगीता वहाँ की रानी बन जाती है। उस दिन के बाद से दोनों बहनों में कभी लड़ाई नहीं होती, वो दोनों मिलजुल कर हंसी खुशी रहने लगती हैं।